पूरे भारत में जहां 15 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया है, वहीं पंजाब में भी कर्फ्यू लगा है, जिसके चलते पंजाब में दूसरे राज्यों से आए लोग सरकार द्वारा अब परमिशन दिए जाने के बाद अपने घर लौट रहे हैं। लेकिन जिला फजिलका के साथ लगते पंजाब राजस्थान के बॉर्डर पर काफी लोग अभी भी फंसे हुए हैं। उनके पास पंजाब के प्रशासनिक अधिकारियों DC व SDM के द्वारा दिए गए परमिशन लेटर भी है, लेकिन राजस्थान पुलिस इसके बावजूद भी इन लोगों को आगे नहीं जाने दे रही है। वहीं पंजाब राजस्थान बॉर्डर पर तैनात पुलिस अधिकारी ने बताया कि जो लोग पास लेकर आ रहे हैं, हम उनसे ज्यादा पूछताछ नहीं कर रहे और अच्छे ढंग से उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। और तो आए हैं जी, असी राजस्थान जाना सी, बच्चों नूं लैण वास्ते परमिशन साडे कोल सी मैजिस्ट्रेट दी जी, ते सानूं लंघन नहीं दित्ता जी। सुबह 9 बजे दे खड़े हैं जी राजस्थान पुलिस ने जी, ते 3 बार साडी एंट्री कर ली, वार वार सानूं यही कही जांदे आ जी उत्तों परमिशन आउंदी है जां जस जां नो तां कर देणी जी। सुबह दे भुखे ते आए खड़े हैं जी, हुण आंदे जी DC साहब तों लिखवा के लियाओ, कलैक्टर साहब तों लिखा के लियाओ। राजस्थान बार्डर ते बहुत वधिया स्थिति है जी, पंजाब पुलिस जो है बहुत वधिया सहयोग दे रही है, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੀਸਫੁੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। पीलीभीत के सदर विधायक संजय सिंह गंगवार लगातार लॉकडाउन के बाद से ही लोगों की मदद कर रहे हैं। दूसरे जनपदों से पलायन करके आ रहे लोगों को भोजन इत्यादि की व्यवस्था कराई जा रही है। कोरोना महामारी जैसी बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी सदर विधायक द्वारा भोजन आदि वितरित किया गया, साथ ही ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को भी भोजन उपलब्ध करवाया गया। पिछले कई दिनों से शहर विधायक द्वारा अनेकों प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, जिससे असहाय लोगों को मास्क, सैनिटाइजर व खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा सके। देखिए, पूरे विश्व में महामारी फैली है, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोनों लोगों की अपील पर देश और प्रदेश पूरा लॉकडाउन है। लोग उनकी अपील का पालन कर रहे हैं, घरों में हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, और हमारा ये प्रयास है कि मेरे पीलीभीत का कोई व्यक्ति भूखा ना रहे। सरकार ने तमाम घोषणाएं करी हैं और हम लोग भी सोसाइटियों से मिल करके अपने आप स्वयं खाने के पैकेट बनवा रहे हैं, पानी की बोतलें हैं, नौजवानों को, पुलिस के सिपाहियों को, होमगार्ड्स हैं, जो लोग इस लड़ाई के हीरो हैं उन सबको हम लोग ये व्यवस्था कर रहे हैं। कोई खाली पेट अगर व्यक्ति है, भूखा मिल जा रहा है, उसको भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। गांव में एक हिंदू बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों का मानना था कि वो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित था, इसीलिए उसकी मौत हो गई और उसके बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए कोई भी आगे नहीं आया, यहां तक कि उसके अपने सगे संबंधी भी नहीं। जिसके बाद गांव के ही मुस्लिम नौजवान आगे आए और उसके बेटे के साथ मिलकर अंतिम यात्रा में शामिल हुए और अंतिम संस्कार किया। कोरोना के जेल में बढ़ रहे खतरे को भांपकर सरकार के निर्देश पर 65 कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया। जिला जेल में 7 साल की सजा के अपराध में विचाराधीन 66 अपराधियों की अंतरिम जमानत को लेकर रविवार को सुबह से ही कागजी कार्रवाई शुरू हो गई थी और कागजी कार्रवाई पूरी होने पर आज सुबह 7:15 पर जेल से अलग अलग जेल में शिफ्ट किए गए 65 कैदियों को रिहा करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जेल प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सभी कैदियों को एक साथ रिहा नहीं कर रहा है। उनका 17 साल को तो 12/8/25 उसमें ही आई है, और पहले जो गोड़ों पट्टी को है नहीं। इनका से कटा था तो करिया परी वो थे एकदम 55 के रहे पर आईलेट कट हो जाए। कितने दिन के लिए पैरोल पे छोड़ा जा रहा है आपको? 56 दिनों के लिए। 56 दिनों के लिए ये मास्क क्या जेल से ही मिले? ये जेल से ही मिला है।
कहाँ के रहने वाले हो? फरुखाबाद। किस अपराध में आए थे आप? 3/23 में वारंट आ गया था। अभी जो है 23 इस समय छोड़े गए हैं, 5 कल शाम को छोड़े गए थे और शेष जो है 65 में से जो बच गए हैं वो अभी 11 बजे छोड़े। किस वजह से छोड़े जा रहे हैं? ये कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए इनको बचाने के लिए शासन सुप्रीम कोर्ट की मंशा के अनुसार ये छोड़े जा रहे हैं। पंजाब में कर्फ्यू के चलते कई विदेशी यात्री हैं जो भारत में फंस गए हैं, जिसके बाद मलेशिया सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से भारत में फंसे अपने 179 यात्रियों को बाहर निकालने के लिए एक एयरक्राफ्ट भेजा है जो मलेशियन यात्रियों को वापस मलेशिया लेकर जाएगा। मलेशिया सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से एक उड़ान स्पेशल भेजी है जिसके जरिए यहाँ फंसे विदेशी अपने देश वापस लौट पाएंगे। मैं देविंदर कौर हाँ, असी 5 तरीक नू अमृतसर आई सी, 21 तरीक नू वापस जाना सी, लेकिन फ्लाइट कैंसल होगी। पर असी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं साडी मलेशियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, साडी विस्मा पुत्रा इन मलेशिया, डॉक्टर अमृत कौर फ्रॉम MIC एंड सारी टीम, साडी मलेशियन हाई कमीशन एम्बेसी दिल्ली विच जिन्होंने साडा बहुत बहुत साथ दिता ते बहुत मदद कीती। सेवा सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली फरीदाबाद पुलिस का शर्मनाक चेहरा सामने आया। जहां पूरे देश में लॉकडाउन है, लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिसकर्मी लाठी डंडों से लोगों को पीट रहे हैं, लेकिन वहीं फरीदाबाद में खाकी पहने एक पुलिसकर्मी शराब के नशे में प्रधानमंत्री के लॉकडाउन के आदेश सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 का उल्लंघन करता पाया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस पर कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही साथ गाड़ी से शराब भी बरामद की गई। सूचना मिलने के बाद सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और गाड़ी को कब्जे में लेकर थाना प्रभारी को उसकी सूचना दी। उसको रोका था मुलाजिम उसने, जैसे गाड़ी को रोका, गाड़ी को पीछे डिग्गी खोल कर जैसे चेक वर्क करने लगे तो मुलाजिम था, पता नहीं कहाँ बाबर भी था, वो भाग गया। मतलब तो जिस तरीके से गाड़ी चलाई जा रही थी तो क्या किसी जान को नुकसान हो सकता था? हो सकता, फिर गाड़ी दूसरी साइड जाए ना का आगे है ना। अच्छा, हाँ, जैसे पता लगा तो हम उधर गए, गाड़ी रुकाई। क्या कार्रवाई करवाई जाएगी? मैंने SHO साहब को बुला लिया था मौके पर। क्या कार्रवाई करवाई जाएगी? हाँ जी, क्या कार्रवाई? अब वो तो SHO साहब करेंगे जो है। तो क्या दारू गाड़ी के अंदर बरामद थी सर? दारू मिली थी गाड़ी के अंदर? दारू मिली थी क्या? 4 देसी के पौधे थे और 1 अंग्रेजी की बोतल थी।